सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पलाक और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गनगड़ा वास्ते से और बज रखा है अभी 12:30। 12:30 हो रखा है दोस्तों और आज है मकर संक्रांति और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने घरों में मकर संक्रांति मनाएं, पुसुड़िया मनाओ, घुगते उड़ाओ, घुगते बनाओ दोस्तों। और हम लोग भी आज घुगते बनाएंगे और आज सभी लोग दूध दे के गए हमें, ये इसमें भी दूध है इसमें भी, क्योंकि आज घुगते बनाएंगे दूध के। और मैंने चाय रखी है ना दोस्तों, इसीलिए मेरा ध्यान वहाँ भी है क्योंकि वो उबल जाएगी इसीलिए। और इस साइड को जो है ना वो दिखता नहीं है साहब इसीलिए। तो दोस्तों 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, कल और परसों का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे फीवर जैसा हुआ था, मतलब फीवर तो क्या ही, मतलब इतना दर्द हुई थी और सर दर्द हुआ था क्योंकि हम तल्लीसार गए थे और वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत जो हो गई ना वो डाउन हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं बना पाई 2 दिन। और फिर काम इतना ज़्यादा होता है कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता है और आज भी अभी अभी बना रही हूँ 12:30 बजे। तो दोस्तों भात मैंने रख दिया है और उसमें बन रही है चाय और फटाफट खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे घुगते। और आप सभी लोग भी बनाना घुगते और उड़ाना अपने घुगते और हम भी उड़ाएंगे। हमारे पहाड़ी में ऐसा बोलते हैं कि पुसूड़िया बोलते हैं दोस्तों, पुसूड़ी मनु मिया, पुसूड़ी त्यार छाज और भुर रहता है ऊँट भेर कौवा बुलून। और मैंने भी आज नहाया धोया क्योंकि कौवे के लिए जो है ना बनाना होता है पहले एक पूरी, दो घुगते, बड़ और रह साग, हरिया साग उंजाउकिन, और 4-5 आइटम रहती है उसके लिए। और पकोड़े बनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे आज। और नए साल का फर्स्ट त्यौहार है मकर संक्रांति पुसुड़िया दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोग भी खूब अच्छे से मनाना और खूब घुगते खाना, ठीक है, और माला पहनना और काले काले कौवे को बुलाना कल सुबह, ओके। और हम भी बुलाएंगे कल सुबह काले काले करके, और कौवा फिर ले जाएगा हमारा जो हम उसके लिए रखे रहते हैं ना, वो रखे रहते हैं। हम अब हम पख में रख लूँ दोस्तों, पख हम लोगों का जो होता है ना, किसी का लेंटर होता है किसी का पख, तो हम लोग पख में रखना दोस्तों, पख में डेली जाओ जो कौ। और फर्स्ट वो दिन तब हम घूकते चाखना दूसरा दिन। और हमारा तो वैसे दिनाली तो है नहीं, मेरी जिठानी की बीवी नहीं है क्योंकि उनका मतलब ब्याह रखा है, लेकिन ऐसा होता है ना गाँव में 11 दिन से पहले दूध मतलब देते भी नहीं है। और जब तक मतलब इसको ना बौधवन में मतलब क्यूल जो कीला होता है ना जिसमें बांधते हैं उस पे चढ़ाते हैं दूध, तब जाके हम दूध खाएंगे 11 दिन के बाद। कई लोग तो ऐसा होता है 22 दिन तक नहीं खाते हैं और कई लोग होते हैं कि 11 दिन के बाद चला लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी अपना काम जल्दी कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी चाय देती हूँ देवर जी लोगों को। और मेरी बहन भी आ रखी है जिस दिन तल्लीसार से, उस दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया 2 दिन तक, तो आज ही बना रही हूँ, कल को वो चली जाएगी दोस्तों। तो 2-4 दिन बाद हम भी चले जाएंगे दोस्तों क्योंकि देवर जी का घाव जो है वो पूरा हो चुका है, मतलब हल्का है, मतलब वो पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्योंकि काव्या का भी होमवर्क कराना है बहुत ज़्यादा है इसीलिए, तो हम 20 तक चले जाएंगे शायद। तो दोस्तों अब मैं चाय बना लेती हूँ जल्दी से। तो दोस्तों चाय आई पी ली है और मैंने तो नहीं पी, दांत दर्द हो रही है इसीलिए, और भात पकने लिया सिट्टी उम्र है और इसमें ना मेरा गुड़ जो है उबलना है, दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है दूध और दूध में उबलना है गुड़, और ये बना रहे हैं हम घुगते बनाने के लिए, पानी में भी बनाते हैं तो दूध दिया है लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, तो इस ये उबलना है, ये गुड़ मिक्स हो रहा है ना, पक रहा है, इसका हम जो बनाएंगे मतलब पेस्ट जैसा हल्का सा ही मोटा मोटा, ये ओलून फिर ये ज़्यादा मैंने, मेरा काम ऐसे होते हैं ना उल्टे काम होते हैं, ये ज़्यादा मैंने दूध ज़्यादा डाल दिया है, इतने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा ये। और इसमें चीनी डाली है, इसमें है चीनी, और ये क्या काट रही है रे, प्याज, हेलो कह रे, हेलो कह दे, हेलो हाय, और इग्नोर कर दिया, हेलो बोल दिया, बोला हाय बोल दिया दोस्तों, दोस्तों मर जाओ, तो तूने हेलो बोला तो मैंने हाय बोला, ले फिर ले, अब बाय बोलती तो तब होता ना कुछ, बाय होनी तो होनी आरंभ में शकारन नहीं क्यों मेर। तो ये टमाटर प्याज काट रही है दाल के लिए, और ये मैं बिहारी हूं, मैं मसूर दोस्तों, ये मसूर पहली बात ही मौस, हर समय मौस मास दोस्तों, मास
मांस मैंने भिगा रखे हैं पूरी बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग खाली चला लीजिए देखने मेरे दोस्तों, इससे देखो मुझे यार मतलब काम हो रहा है ना इसका, तभी लगा रखा है इसने। और यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना दोस्तों। आज मैंने आग नहीं जला रखी है, आग मैं जलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों घुगते बनाने स्टार्ट हो गए हमारे और खाना मेरा बन गया है। दाल उबल ली है और रोटी आज देवर जी के लिए बना दी है, तो वो रोटी खा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे बहन ने आटा गूंद दिया है और इनका घुगते बनाना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये वाले जो है ना वो ये देखो, ये है कौवे के लिए है दोस्तों, ये इनके घुगते देखो, ये रिच्चू के है, एक ये है रिच्चू के, एक ये है और रिच्चू के है, ये रिच्चू घुगुत, ये क्यों, ये एक चंदगड़ी हो, ये क्यों निक्के बनो, ये बनो रफी रफी जल्दी बनाओ क्या बनू मजी। तो दोस्तों अब मैं भी बैठ चुकी हूँ और बना लेती हूँ मैं भी इनके साथ घुगते जल्दी से जल्दी, फिर पापा भी आ जाएंगे जंगल से, भी बकरी अकड़ी बात नहीं होती है तो बना लेती हूँ। तो गाइस अभी मम्मी लोग खाना खा रहे हैं और घुगता बता रहे थे। ये कैसे बने हो, कैसे बनी है तू, हैं कैसे तेरा हाल है जाऊं, मुंह देख तो तेरा, मैं ले या लगा ला। तो दोस्तों यहाँ हमारे इतने बन रखे हैं, बन ही नहीं रहे हैं हमसे, हो ही नहीं रहा है। अब मैं चिढ़ानी के घर जाती हूँ, वहाँ देख के आती हूँ कि उनके मतलब कितने बने हैं। मैं तब तक बब्बी बोलिए थोड़ी मैं बनाती हूँ, तो ये बना रही है, तब तक मैं देख के आती हूँ। काव्य भी वहीं गई है, पहुँचने वाली हूँ जिठानी के घर। इनके भी बन रहे हैं यहाँ घुगते दोस्तों, ते पारू बना रही है ना मर निका हो रही यार घुगत, मेरी क्या ना मैं सॉफ्ट। तो दोस्तों जिठानी के घर से आई, उसके बाद पापा आ गए थे जंगल से, तो बकरी बादी और थोड़ी देर बाहर बैठे और इतने घुगते बनाए हमने, और आधे वो पका रही है, आधे भदेली में डाल दिए हैं दोस्तों आधे। और आज मुझे बन रही थोड़ी जिठानी, ये खजूरे जो है ये जिठानी बना के गई मेरी, क्योंकि बनी नहीं रहे थे मेरे से, तो मेरी जिठानी बना के गई। और माँ सांस भी थोड़ा मेरे से हो नहीं रहा था, उन्होंने करा माँ सांस का, तो अब जिठानी चली गई है अपने घर अपने पुए हुए पकाने, सेल एल पकाएगी दोस्तों। और आज जमन ने मतलब मेरे देवर जी ने ना चार मुर्गी काटी, चार मतलब एक जिठानी लोगों के लिए, हमारे लिए भी बोले थे बट मैंने मना करा क्योंकि ना रोज़ खाते खाते धो गए दगड़ियों, तो एक जिठानी लोगों के लिए काटा, दो किसी और के लिए काटा, एक किसी और के लिए, चार काटे और एक अभी और बिका, पांच बिक गए आज हमारे, क्योंकि कल से ना दोस्तों माघ लग जाओ माघ, तो माघ का मैं जो है न खाने मीट तय ऊपर। और परसों को मेरा व्रत भी है मंगलवार को, फर्स्ट ना माघ का फर्स्ट व्रत रखूँगी मैं मंगलवार का। और मेरे बाल देखो आप दोस्तों ऐसे हो रखे हैं ये, और मैं राई लेके आ रखी हूँ और राय बनून पकौड़ दोस्तों, और मेरे वहाँ एक मेरे छेल छ दूध आग मीठा बनून बैगे चीन अलबेर। और बहन जो है काम में लगी पड़ी है, मेरे घुगते में नारी है वो मतलब तल रही है दोस्तों, और फिर पकौड़े वकौड़े बनू छो और के नाम घुगुता पकूँ रहे। तो दोस्तों मैं एक खजूर बना ली जल्दी जल्दी, मैं सूजी के खजूरे बना रही हूँ अभी दूध में। और ये मांसा पूरी दोस्तों, यो मांसा लेकिन ये है मांस, और ये है घुगुते, खाने आ जाओ पकवान वाली ये पका रही है शिवो और अमिया दे सादा दोस्तों। मैं ये जिंदगी में थोड़ा बहुत काम ले रन बड़ो ना दोस्तों, और ये क्या जियो भी काम हो काम कर लिया रही काम चुप रहा रफा रोला रफा। तो दोस्तों बनाती हूँ नेक्स्ट पूरी, और फिर पकौड़े भी बनाने हैं, क्योंकि ना आज दोस्तों हमने इतनी ज़्यादा पकाने हैं, क्योंकि आज ना हमने कुछ पूरियाँ
ज़्यादा बनानी है क्योंकि जो ऊपर नेगी निवास है जैसे उसमें मतलब 5-6 मौक उन्होंने दोस्तों उन्होंने हो रही मरछू मरछू दे देखो ना उनके उसमें मतलब राखी में बोलते हैं मतलब कोई किसी की डेथ हो रखी है तो त्यौहार है ना तो अच्छा नहीं लगता है ना उन लोगों का त्यौहार नहीं होगा तो हम ना दोस्तों गाँव के लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनको भी देना हुआ मतलब उनको भी देंगे हम त्यौहार और मुझे पहुँचा के आएंगे उनके लिए क्योंकि उन लोगों ने भी ना हमको दिया था पहले और जब हम पहले हमारे उसमें भी कोई त्यौहार था उनकी डेथ हो गई थी हमारे इसमें भी किसी की डेथ हो गई थी तो उन लोगों ने भी दिया था तो इसीलिए हम लोग भी देंगे दोस्तों और मैं उनके लिए बना रही हूँ मांस के पूरियाँ बना रही हूँ उनके लिए 5-6 रेड कलर दोस्तों उन दिन छ और है आराम से दोस्तों बज चुके हैं 7 और अभी तक हमारा खाना नहीं बन रखा है 4 बजे से लगे पड़े हैं 3 घंटे हो गए पकौन 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 दोस्तों और जिनको देना था उनको भी दे दिया है और जिठानी लोगों को भी दे दिया है और अब जिठानी के घर से हमारे लिए आए थे सेल दोस्तों ये सेल आए थे और मैंने भी यहाँ से पकौड़े भेजे उनके लिए और थोड़े बड़े भेजे अभी मास्क का पू भेज दी हूँ और पापा लोगों को भी दे दिया है मैंने पकौड़े पकौड़े क्या है पानी गिरा दिया सो जाओगे ऐसे इतना पानी गिरा दे रहे हैं ना ये लोग ये सारा पानी गिरा दिया ये सोगे कैसे ये भी सोना भी हुआ दोस्तों हमको मैंने बोला जल्दी जल्दी बनाती हूँ 7:30 हो गया है दोस्तों आज हमको पकाते पकाते ये देखो हम खा के डकर डुकुर के सो गए है इधर और त्यार यार खा दिया है दोस्तों त्यार में क्या क्या खाया मैं तो मीठी मीट खाया दोस्तों मीट एक पूरी बस क्योंकि मीट इतना अच्छा हो रहा था मीट खाया कल से माघ आ गया है माघ तेल उलिए ना खाई हुई तेल मीठा दोस्तों तेल मीठा मीट खा तो जिठानी घर आ रही हूँ मीट खाए कल को ये जाने वाली है पिथौरागढ़ रह जाने वाली है ये मेरे साथ मेरे संगजू है ये दोस्तों संगजू तो दोस्तों खा लिया है हमने खाना और त्यौहार व्यवहार तो कुछ खाया नहीं क्योंकि कैसा होता है ना यार पकाते पकाते जो है ना मौज हो जाता है दोस्तों मौज हो जाओ पकून पकून मचा हो जाओ मौज ले कुनान मचा ले कुनान मचा हो जाए बल तो आधा इसने पकाया आधा मैंने पकाया इसको ज़्यादा मौज हो गया क्योंकि इसने घूते पकाए अरे यार दोस्तों ये बोलिए ना मेरा नाम नहीं ले रही है दोस्तों इसने सब्जी काटी सब्जी बनाई राई काटी इसने पकौड़ियों के लिए और जो बांटना आटने वाला का काम था इसने सब वो निपटाया और बुबू लोगों को इसने खिलाया रिच्चू को देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया हाँ रिच्चू को देख के ना गार्डन हो गया दोस्तों क्योंकि ये इतना काम करती है मेरी और मेरे से बोलिए मेरा नाम नहीं ले रही क्योंकि इस बड़ा बड़ा काम ना घूमते पकाने वाला काम इसने कराना है तभी बोल रही हूँ पकौड़े बड़ी और थोड़ी पूरियाँ और थोड़े खजूरे मैंने बनाए और इसने बहुत काम किया इस हमने तो खाली वाला काम करा मतलब ढकोसला वाला इसने ही करा दोस्तों ये इसने अपना घर का भी हाँ अपने घर का भी करा दो जगह का काम अपनी मम्मी का इसकी मम्मी बोलती है ये दे वो दे एक कॉपीराइट आ जाएगा ना मेरे को डर लगती है तो गाने मत चला दे तो दोस्तों इसने काम करा है बहुत ज़्यादा इसने ना आलू की सब्जी बनाई आलू काटे आलू की सब्जी बनाई राई काटी पकौड़ियों के लिए और जो बांटने वाला काम था वो इसने ही किया क्योंकि वहाँ बांट के आई है 6 मौछ हैं दोस्तों उन्होंने बटी आई वो बहुत काम करा मतलब अरे नन्न मिठाई था बन उनमें छीतू देख दोस्तों मेरा बाण भी गए जलेबी मिठाई बनाई थी मैंने सोचा अच्छी अच्छी बनाएगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी बट क्या करूं बल्कि बढ़ा दे नहीं तो खाना इतनी अच्छा इतना इतनी कम उम्र में मतलब इतना अच्छा खाना बनाती है दोस्तों ये इतनी अच्छी सब्जी बनाई इसने
आलू के पराठे मैंने खाए इसके हाथ के परसों, इसने बनाए इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे, खुद मैं नहीं बना पाती हूँ इतने स्वादिष्ट, जितने स्वादिष्ट इसने बनाए थे आलू के पराठे, और खवा एक नंबर वन छे दोस्तों, यू इतना अच्छा खाना बना देती है ना, आप लोगों को खिला देगी, मतलब आप लोग आओगे ना मतलब चक करने खिला दे लियो तुम नारे, क्या कहना चाहोगी? दिल गार्डन गार्डन देख रहे हो दोस्तों, और बोलना नहीं चाह रही है ना, अगर बोलती है ना आप लोग मतलब आपकी बहुत अच्छा हो जाता है कॉमेडी, मतलब ये बड़ी कॉमेडी करनी रही है ना, अगर हम इससे कुछ भी बोलते हैं मतलब बहुत कॉमेडी करती है, बट आप लोगों को क्या ही अब मतलब क्या कैसे दिखाओ, उस टाइम मेरे हाथ में फोन नहीं होता है ना इसकी कॉमेडी दिखाने के लिए, मतलब आप लोग हंसते हंसते मतलब ऐसा हो जाता है, आप लोगों को क्या बताऊँ, इसकी वजह से मैं हंसती हूँ यहाँ पे, और इसकी वजह से ही मुझे अच्छा लगता है घर में, मतलब क्योंकि ये मेरे साथ रहती है ना हमेशा, जब से मेरी शादी हुई मेरे साथ यही रही मेरी रिचाड़ा, मेरी मतलब मेरी रितु भावना कन्याल, ये देखो इसको नहीं छोड़ूंगी मैं कभी, कभी नहीं छोड़ूंगी दोस्तों इसको मैं, मेरी लड़की जितनी बराबर है वो भी ये भी इतनी बराबर है, चाहे मेरे गुस्सा ही क्यों ना हो इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे साथ हमेशा रहती है, आई लाइक यू रिचू, आई लव यू, आई लव यू टू, हाय रब्बा गार्डन। दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, मैं तारा मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय, और क्या बोलते हैं, जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि, बाय गाइज, गाइज बोलना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के लोगों ने मेरा नाम रखा है हेलो गाइज, इसलिए मैं गाइज ज़्यादा बोलूँगी अब, ओके okay?